पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर और हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय मेयो क्लिनिक अमेरिका तथा हिट्रोमेक इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी उदयपुर के संयुक्त रूप से एक एकीकृत रसायन विज्ञान बायोलॉजी और ट्रांसलेशन मेडिसिन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस 8, 9 और 10 मार्च को आयोजित होगी। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 150 से अधिक विदेशी तथा 600 से अधिक भारतीय शिक्षाविद, शोधकर्ता और वैज्ञानिक उदयपुर आएंगे। कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ब्राजील, रूस, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, चेक गणराज, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, गाना और मलेशिया से विभिन्न शिक्षाविद, वैज्ञानिक, चिकित्सक, फार्मिस्ट एवं शोधकर्ता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह उदयपुर के लिए एक गौरव का विषय है। वे अपने शोध पत्रों को भी प्रस्तुत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप का आयोजन 7 मार्च को किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने प्रभावी प्रस्तुतिकरण तथा बायोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पैसिफिक विश्वविद्यालय के सभागार में मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाणी करेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर यूनेस्को एवं GIP के चेयरमैन प्रोफेसर BP शर्मा, विशिष्ट अतिथि हंसराज कॉलेज दिल्ली की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा तथा सिंगापुर MIT के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन प्रोफेसर जूलियन लेस्कर शोधार्थी को संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर ब्रजेश राठी ने बताया कि 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिदिन 3 तकनीकी सत्रों का एक साथ आयोजन किया जाएगा, जिन्हें युवा अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। 3 दिन की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज, मेयो माई क्लिनिक थोनेडा और पैसिफिक यूनिवर्सिटी मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें 150 फॉरेन डेलीगेट्स है और 750 बच्चे हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन एक वह सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मतलब उदयपुर के भी काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है आने वाले टाइम के लिए। सर, 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेटिव केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ट्रांसलेशन मेडिसिन, ICBTM ट्रियो। तो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पैसिफिक यूनिवर्सिटी में की जा रही है, और जो कि एक जॉइंट वेंचर है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पैसिफिक यूनिवर्सिटी, पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी और हिट्रोकेम इनोटेक, सो विच इज़ ए स्टार्टअप कंपनी। तो ये यहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, और जिसमें मायो क्लिनिक फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसिन हंगरी, MIT सिंगापुर, MIT स्मार्ट सेंटर और चार्ल्स यूनिवर्सिटी एंड हमारे पास और भी डिफरेंट कंट्रीज से लोग हैं जिनके साथ ये हमारा 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। उदयपुर में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पैसिफिक यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत एस्टेब्लिश्ड सेटअप है, एक अपने आप में बड़ा नाम है, और दूसरा पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। तो सिंस हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहे, एक एकेडमिक प्योर साइंस का बच्चा एक मेडिकल के साथ में कैसे मर्ज कर सकता है, उसके साथ क्या इनोवेशन हो सकता है, चाहे डायग्नोस्टिक रूप में हो, चाहे एक थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये उद्देश्य था, और यहाँ पर पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी और पैसिफिक यूनिवर्सिटी में राहुल जी और हेमंत जी, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं एंड बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मैं पूरा एक्साइटेड हूँ कि 3 दिन अगले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और सारे लोग इसमें लाभान्वित होंगे।